माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, बेकार हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीवन से हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और इतनी ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ बचपन से लेकर जवानी तक हमारी जो परंपरा रही है, लोग ये सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ये सिखाते हैं कि आप बेटा पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख लोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ लिख लोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन कोई कभी ये क्यों नहीं कहता कि बेटा ऐसा काम सीख लोगे, ऐसा कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लोगे, कुछ हुनर अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो होगा क्या, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, किसी अच्छी कंपनी में आप जाओगे, आप किसी अच्छे संगठन में जाओगे और अच्छा पैसा भी कमाओगे। ये हमें कोई नहीं सिखाता। सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे अंदर वही परंपरागत चला आ रहा है कि आप डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, इतनी डिग्रियां ले लोगे तो इतना आप तरक्की कर लोगे। लेकिन दोस्तों, ये भारत देश और हमारी जो पीढ़ी है इसलिए पिछड़ती जा रही है। हम लोग नया कुछ करना ही नहीं चाहते, और जो कुछ नया करना भी जानता होगा, करना चाहता होगा, हम उसे करने नहीं देंगे। दोस्तों, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं आपके साथ आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास भी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मेरे पास भी कई सारे लोग नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए आते हैं। लेकिन आते कौन से लोग हैं, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ है, कोई डबल एमए किया हुआ है, मतलब आप समझ नहीं सकते कि उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने डिप्लोमा हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, कोई हुनर नहीं है, मतलब वो उन्होंने उनके दिमाग में ये चीज़ घुसा दी गई कि आप बस बीए, एमए, डबल एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं। जब हम किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर ये पूछा जाता है कि आपको क्या आता है। तो आज मैं आपको एक थोड़ा सा है तो मजाकिया टाइप का, लेकिन रियलिटी है हमारे समाज की। एक बंदा आया इंटरव्यू के लिए, वो एमए हो या एमएससी हो, हमने उससे पूछा कि भाई साहब आपको क्या आता है। उसने कहा सर मैं एमए हूँ। मैंने भाई साहब आपको अकाउंटिंग आती है, उसने कहा नहीं सर मैं एमए हूँ। मैंने कहा सर आपको बैंकिंग आती है, बोला नहीं सर मैं एमए हूँ। मैं सर आपको फिनेंस आता है, बोले नहीं आता सर मैं एमए हूँ। मैंने कहा सर आप सेल्स आती है, बोले नहीं सर मैं एमए हूँ। मैं सर आपको मार्केटिंग आती है, बोले नहीं सर मैं तो एमए हूँ। मैंने कहा सर आपको एचआर आता है, बोले नहीं सर मैं तो एमए हूँ। मैंने सर आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे लीड होता है, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, ये कुछ आता है, बोला नहीं सर मैं तो एमए हूँ। अरे भाई, हमने पूछा भाई आपको क्या आता है, कुछ तो आता होगा। मैंने कहा खाना बनाना आता है, बोला नहीं सर मैं तो एमए हूँ। मैं सर आप सफाई कर लेंगे ऑफिस में, काम कर लेंगे, और भी कोई काम कर लेंगे, बोले नहीं सर मैं तो एमए हूँ। तो दोस्तों, है तो ये मजाक टाइप का लेकिन यही रियलिटी है। बोले मैं एमए हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं बीएससी हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे देश के युवाओं, अरे कुछ हुनर भी तो लाओ अपने अंदर, कोई स्किल है आपके अंदर, कुछ स्किल्स को डेवलप करो। लाइफ में अगर कुछ करना है तो स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि अगर हुनर नहीं है तो कदर नहीं है। इसलिए हुनर को अपने अंदर लाओ। हम ये नहीं कहते कि आप डिग्रियां हासिल मत करो, आप डिग्रियां हासिल करो, लेकिन डिग्री के साथ साथ आप अपने अंदर काबिलियत, अपने अंदर प्रतिभा और अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करो कि आपने करना क्या है।
आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी फील्ड का चुनाव करना है। दोस्तों अगर कोई बच्चा बचपन से लेकर बीएससी, बचपन से लेकर बीकॉम तक अगर वो बैंकिंग पढ़ता है और उसको बैंकिंग में ही जाना है, तो वो घर पे बोल दे कि सर मेरे को बैंकिंग में जाना है, पापा मेरे को बैंकिंग में ही जाना है, जाना है तो जाना है। तो दोस्तों वो बैंकिंग को सेलेक्ट करेगा और आने वाले टाइम में जैसे ही वो 20-22 साल का होगा वो बैंकिंग में सेलेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही जाएं, हो सकता है कि आपको कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। और आजकल क्या है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि जितना पैसा हम खर्च करते हैं पब्लिक के लिए उस हिसाब से हमारे जो एम्प्लाई हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हर कोई सरकारी नौकरी सैलरी के लिए और दो नंबर के पैसे के लिए जाती है, कोई भी इस चीज़ को बहुत दिल पे ना ले क्योंकि ये किसी के लिए पर्सनल नहीं है, लेकिन अक्सर लोग सोचते यही हैं कि बेटा सरकारी नौकरी लग गई क्या। और तो और मैं ये बता दूं कि जान ना जाने कितने हायर क्लास के लोगों ने चपरासी की नौकरियों में अप्लाई कर चुके हैं, चपरासी की नौकरी भी हासिल कर चुके हैं और वो भी 5-5 लाख रुपए रिश्वत देने के बाद। तो ऐसा कौन लोग करते हैं जो हायर एजुकेशन है, जिनके पास बीटेक, एमटेक और बीए, एमए, बीएससी, एमबीए, बीबीए, तमाम तरह की डिग्रियां लेने के बाद अगर आपको ये सरकारी नौकरी के लिए आप यहाँ पर कूद पड़ते हैं, तो दोस्तों लानत है आपकी डिग्री पर, लानत है आपकी काबिलियत पर। आप क्या इसी के लिए बने थे? मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूंगा। जो सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे हमारे महारथी, जो हमारे इंडिया के हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई लोग आज यूएसए में कई कंपनियों, आप गूगल के सुंदर पिचाई हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। दोस्तों ये मैं दो नाम नहीं, मैं आपको ऐसे सैकड़ों नाम गिना दूंगा जिन लोगों ने जाके अपना परचम लहराया है यूएसए में जाके और देश का नाम रोशन किया है। तो अमेरिका कहता भी है कि जिन लोगों को आप इग्नोर करते हो हम उनको यहाँ पर जगह देते हैं। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कहीं पर भी पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी अपने आप को चमका सकते हैं, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। डिग्री मायने नहीं रखती, डिग्री सिर्फ आपके लिए एंट्री होती है कि आपने कहीं पर जॉब पाना है, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में भी जाना है तो वहाँ पर भी आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, पब्लिक को सही से सेवाएं नहीं देंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों, आपकी नौकरी भी वहाँ पे भी नहीं रह सकती, जा सकती है नौकरी। और आने वाले टाइम में तकनीकी माध्यम से भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे आपने देख रहा होगा, अभी हमारी गवर्नमेंट ने बैंकों का विलय किया, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, एयर इंडिया एयरलाइंस का भी चल रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। वजह सिर्फ यही है कि लोग काम करना नहीं चाहते। काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, कॉरपोरेट हो या सरकारी हो, क्योंकि पैसा तो आपको मिल ही रहा है, जो पैसा देगा वहाँ आपको काम तो करना पड़ेगा। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कॉरपोरेट हो, आपने काम करना है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही एक मैसेज था सभी युवाओं के लिए, अपने सभी भारतीय युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए, कि आप डिग्री के साथ साथ अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करिए, स्किल्स को डेवलप करिए। आपने जिस सेक्टर में जाना है, जिस विभाग को पकड़ना है, जहाँ पर भी अपना करियर स्टार्ट करना है, अपने करियर को एक नई उड़ान देनी है, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को सीखने में लग जाइए, बचपन से लग जाइए, 10 साल की उम्र से लग जाइए, आप लग जाइए। आप लग जाएंगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी दोस्तों। और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा और आपके पास अवसर पर अवसर बढ़ते जाएंगे, आपके पास इतने मौके होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी ज़िंदगी में अवसर की तलाश करो, मौके की तलाश करो, इधर उधर मत भटको, अपने लक्ष्य पर देखो और हुनर रखो, हुनर की कदर करो और काबिलियत को निखारो। डिग्री के साथ साथ काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए, आपको नौकरी की कमी नहीं रहेगी, हर जगह आपको नौकरी मिलेगी दोस्तों। मैं बस यही एक मैसेज आज आपको दे रहा था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों में इस हमारे विचार को आगे बढ़ाएं ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका, जय हिंद, वंदे मातरम।